देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को अब भूगोल के बारे में बताऊंगा। भूगोल से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने नोट कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, इसको हमने पहला टॉपिक रखा है क्योंकि इससे जो है आप पूरे भूगोल का इसका आप पूरे रूपरेखा जान सकते हैं। पृथ्वी के बारे में बिना अक्षांश रेखाएँ देशांतर रेखाओं के अध्ययन से हम लोग पृथ्वी पर स्थित किसी भी पिंड का, स्थान का, लोकेशन जान सकते हैं। आज जो हमारा जीपीएस सिस्टम है वो इसी आधार पर काम करता है, जीपीएस के लिए सहायक। देखते होंगे आप लोग मोबाइल में, देखते होंगे हर जगह के अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा लोकेशन में दिखाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति, देखेंगे कैसे दिन रात होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, सब इसको देखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसमें पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन सी परतें हैं पृथ्वी के अंदर, ये सारी चीज़ें हम देखें। प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स होता है, ये आधार होता है, इसके माध्यम से हम जानेंगे प्लेट पृथ्वी के पर जो छह प्लेटें हैं वो कैसे एक दूसरे से टकराती हैं, उसी का वही आधार बनता है ज्वालामुखी आने का, भूकंप आने का। हम अध्ययन करेंगे उसे, सुनामी का भी देखेंगे। चट्टान आजकल हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन होते हैं। चट्टान हम आपको ऐसा बताएंगे आपकी उंगलियों पे रहेगा चट्टान, कुछ चीज़ यहाँ से आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आप एक बार पढ़ेंगे घर जाके, फिर घर पे 5 मिनट का रिवीजन करेंगे, सारी चीज़ तैयार हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा वायुमंडल के अवयव देखेंगे, वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, वायुमंडल की परतें कौन कौन सी परतें हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके लोअर PCS UP SSSC और RRB UPSI UPP जैसे एग्जाम में आते रहते हैं। वायुदाब कटिबंध, वायुदाब पृथ्वी पर कितने वायुदाब कटिबंध हैं, कहाँ पे कैसे ताप कटिबंध हैं, ये सारी चीज़ों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हवाएं देखेंगे कौन कौन सी हवाएं चलती हैं। इसके अलावा महासागर के बारे में देखेंगे कि तापमान, लवणता, जल धाराएं और ज्वार भाटा। महासागर के अंतर्गत जितने महासागर हैं उसमें तापमान किसका कैसा है, किस क्षेत्र का तापमान कैसा होगा, किस झील का, किस महासागर का तापमान कैसा होगा, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। लवणता, सैलिनिटी के बारे में क्वेश्चन आता है, पिछली बार आपकी वीडियो के एग्जाम में पूछा था कि समुद्र के जल की औसत लवणता कितनी होती है। जलधाराएं आप जानते हैं, इससे दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, कौन सी जलधारा ठंडी है या कौन सी जलधारा गर्म है। ज्वार भाटा से क्वेश्चन रहते हैं, ज्वार भाटा दीर्घ ज्वार कब आता है, निम्न ज्वार कब होता है। अभी CTET के एग्जाम में पिछली बार एक बार पूछा था ज्वार भाटा के उत्पत्ति के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति कैसी होती है, उसमें देखे पूछा था लघु ज्वार की स्थिति कैसी होती है। इसके अलावा हम विश्व के और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे नदियाँ, पर्वत, पठार, झील, चोटी, ये सारी दर्रे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आते हैं, सबसे पहले देखते हैं देखिएगा तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे अक्षांश रेखा। देखिए अक्षांश रेखाएं जो है ये पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई है। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से, जैसे आप जानते हैं इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण। आप जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व दिशा में काल्पनिक रूप से पृथ्वी पर खींची गई। देखा जाए तो पृथ्वी के मध्य से एक रेखा खींची जाती है, पृथ्वी के एकदम बीचों बीच पृथ्वी के मध्य से जो रेखा खींची जाती है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी गोला है, गोल की तरह है, इसलिए जो भूमध्य रेखा इसको दो भागों में बांटती है तो गोले को आधा कर देती है। इस गोले का आधा को हम ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोला और नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी गोला। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है।
देखिएगा इसका एक नाम और होता है विषुवत रेखा, इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा इसको केंद्र मानकर एक एक डिग्री के अंतराल पर कई रेखाएं खींची गई। हमारे लिए यहाँ पर सभी रेखाएं खींचना संभव नहीं है, हम बता देते हैं। देखिए यहाँ आधार बनाया गया, एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई, यहाँ तक जाके पूरी 90 रेखाएं हो जाती है। 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और 90 रेखाएं ही दक्षिण गोलार्ध में खींची गई, समझिए। अब देखिएगा अब हम बताते हैं अन्य रेखाएं। इसमें से अगर हम देखा जाए, एक मान लेते हैं अगर 10 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80 और 90 डिग्री। चूँकि हमको अभी यहाँ पे पूरी रेखाओं का, समस्त रेखाओं का कोई अध्ययन करने का बहुत औचित्य नहीं है, इसलिए हम प्रमुख अक्षांश रेखाओं से आपको परिचित कराते हैं। देखिएगा यहाँ पे भूमध्य रेखा के बाद जो एक महत्वपूर्ण रेखा उत्तरी गोलार्ध में है उसको खींचा गया है 23.5 डिग्री के अक्षांश में, समुत्तरी कहेंगे, और इसका नाम, इसको नाम दिया गया है मकर रेखा, सॉरी आप ही चाहेंगे कर्क रेखा। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, ऐसी ही एक रेखा 23.5 के बाद मानी 30, 40, 50, 60 और एक रेखा है यहाँ पे 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी। इसे कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। देखिए ध्यान दीजिएगा ये सभी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर वृत्त का निर्माण करती हैं, पृथ्वी के चारों ओर खींची गई है। देखिएगा जिस हिसाब से ये देखिए यहाँ पे पृथ्वी के इस पर रेखाएं खींची गई हैं, हमको एक रेखा का दिखा है, लेकिन वास्तव में ये पृथ्वी के चारों ओर खींची गई। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त। इसके अलावा सेम ऐसे ही कुछ रेखाएं दक्षिण गोलार्ध में खींची गई है, जैसे देखिएगा 23.5 डिग्री दक्षिण, इसे नाम दिया गया है मकर रेखा। इसके अलावा 66.5 डिग्री दक्षिण का, इसे नाम दिया गया अंटार्कटिक। ये 5 रेखाएं पूरी पृथ्वी पर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं हमारे अध्ययन में, तो नोट कर लेंगे, इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, बहुत काम का है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित। अब जरा सा इसका अध्ययन करते हैं, कुछ बातें हम पॉइंट वाइज यहाँ लिखते हैं। जैसे पहली बात तो ये है कि जो अक्षांश रेखाएं, जितनी अक्षांश रेखाएं हैं ये सब के सब काल्पनिक हैं। दूसरी, ये रेखाएं समानांतर होती हैं। तीसरे काम की बात, यहां पे दो क्रमागत अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दो क्रमागत, क्रमागत से मतलब होता है यहाँ पे, क्रमागत से मतलब है आपका कि ये दोनों रेखाएं जो है, जैसे 10 से 11, 11 12, 13 14, 19 20, 22 23, ऐसा दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर। दूसरी बात, सभी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर एक वृत्त के निर्माण करती है। इसके अलावा
ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सी रेखा बनाएगी? अगर हम इस चित्र को देखें ध्यान से तो हमको स्पष्ट होगा कि जो भूमध्य रेखा है या इसका एक और नाम है विषुवत रेखा, ये रेखा पृथ्वी पर सबसे बड़े वृत्त का निर्माण करती है। दूसरे काम की बात, ये जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी पर सबसे बड़े वृत्त का निर्माण करती है और यह आर्कटिक वृत्त का दोगुना होती है, जबकि ये अंटार्कटिक वृत्त का भी दोगुना होती है, क्योंकि दोनों रेखाएं एक तरह से, ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा आर्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक वृत्त का दोगुना, ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कुछ और बातें हैं, देखिए इसकी संख्या को लेकर कुछ चर्चा हो जाए। संख्या, इनकी संख्या वर्तमान में 181 मानी जा रही है, क्योंकि भूमध्य रेखा को भी एक रेखा मान ले रहे हैं, इस कारण से इनकी संख्या 181 है। हालांकि थोड़ा सा विवादित हो जाता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें, अगर यहीं पे 180 रहे ऑप्शन में सिर्फ तो आप 180 पे लगाएंगे, अगर दोनों हैं तो आप 181। प्रमुख अक्षांश रेखाएं आपको मैंने दिखा दिया है, पहले बता दिया है। अक्षांश रेखा अगर देखें तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, अगर देखें तो अक्षांश रेखाओं में अगर हम महाद्वीपों को लेकर देखा जाए, महाद्वीपों, तो देखिएगा आप जानते हैं कि पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। देखिएगा इसके आगे बढ़ेंगे, पर सात महाद्वीप हैं। अगर इसका हम चित्र बनाएं तो इस तरह से चित्र बनेगा लगभग, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा ये महाद्वीपों के हम नाम भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये महाद्वीप है मान लेते हैं एशिया, ये है अफ्रीका, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, इसे अंटार्कटिका कहते हैं, इधर यूरोप है आपका और ये ऑस्ट्रेलिया। अगर हम महाद्वीपों के क्रम के अनुसार देखें तो देखिएगा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, यहां से तीन रेखाएं होकर जा रही हैं, आप ध्यान से देखिएगा, एशिया महाद्वीप से इधर आप जान लीजिएगा यहाँ तक इंडोनेशिया भी है, तो एशिया महाद्वीप से आप जाती है तीन रेखाएं, कौन कौन सी? आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा और भूमध्य। अफ्रीका महाद्वीप से देखिए तो कर्क, भूमध्य और मकर। उत्तरी अमेरिका देखिए तो यहां से आर्कटिक वृत्त,
कर्क रेखा। दक्षिणी अमेरिका देखिए भूमध्य रेखा, और मकर रेखा। इंपॉर्टेंट चीज देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को मकर रेखा दो भागों में बांटती है। तो ऑस्ट्रेलिया से मकर, कई बार सवाल पूछा गया है इससे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अंटार्कटिका से अंटार्कटिक वृत्त जाता है, यूरोप से अगर देखा जाए तो आर्कटिक वृत्त गुजरता है। ठीक है, इसका भी आप इसके शॉट ले सकते हैं। एक काम की बात और है, भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है आप देखिएगा। ये भारत ही छोटा सा दिखिएगा, और भारत से देखिए रेखा है जो कर्क रेखा गुजरती है। अगर हम यहाँ भारत का चित्र छोटा सा बनाएं तो देखिएगा, मान लीजिए भारत का चित्र है तो यहाँ से देखेंगे तो आप यहाँ से भारत के 8 राज्यों से एक कर्क रेखा गुजर रही है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं बस एक मिनट देख लेंगे, गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, छठवां सातवां त्रिपुरा, और आठवां मिजोरम। इसके लिए इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, मैं इसके अगले पार्ट में आप चर्चा करूंगा इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस की। थैंक यू।